अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको कवर पेज बनाने का तरीका सिखाएंगे। ये कवर पेज हम PC1 के फर्स्ट पेज पे कह लें आप, या कोई ब्रीफ हिस्ट्री जब हम बनाते हैं, या कोई भी डॉक्यूमेंट हम, चाहे वो PDF का हो, चाहे वर्ड में हो, चाहे पावर पॉइंट में हो, उसमें हम पहला पेज जो वो हमारा फ्रंट पेज कह लें उसको, या कवर पेज कह लें वो होता है। आज हम आपको वो डिज़ाइन करने का तरीका बताएं। मुख्तलिफ मेथड से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। जो सबसे इजी तरीका है MS वर्ड में इसको डिज़ाइन करने का, आज हम उसमें ये डिज़ाइन करेंगे। ये हमने कैनाल की एक पिक्चर ली है और जस्ट मुख्तलिफ शेप्स के तहत उसको हमने खूबसूरत लुक दी है। यहाँ पे हम ब्रीफ हिस्ट्री या जो भी आप लिखना चाहें वो लिख देंगे, और ये हाकड़ा कैनाल को ही हमने बारकोड दे दिया है। इसमें हमने सिर्फ उसका फॉन्ट चेंज किया है बारकोड का। तो चलिए आए आज हम इसको बनाने का तरीका सिखाते हैं। सबसे पहले हम एक नई शीट ओपन कर लेते हैं। इसमें हम पहले पेज सेटिंग करेंगे, पेज साइज में चले जाएंगे, A4 कर देंगे। उसके बाद मार्जिन में चले जाएंगे, कस्टूम में चले जाएंगे, टॉप लेफ्ट राइट हम सिफर कर देंगे, क्योंकि हमें मार्जिन इसमें नहीं चाहिए। फिर इंसर्ट में चले जाएंगे, कोई भी पिक्चर जो आप यूज़ करना चाहें उसको आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। हम कैनाल की पिक्चर यूज़ कर लेते हैं। फिर हमने इस पे डिज़ाइनिंग करनी है। इंसर्ट में चले जाएंगे, शेप में चले जाते हैं, ये रेक्टेंगुलर एक ले लेते हैं, इसको ड्रॉ कर लेंगे। इसको थोड़ा सा अपने साइज के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इसको हम वाइट कर देते हैं, आउटलाइन भी इसकी हम खत्म कर देंगे, नो आउटलाइन कर देंगे। इसकी विड्थ हम कम कर देते हैं, 0.2 कर देते हैं। अब हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, इसको भी हम वाइट कर देंगे, आउटलाइन खत्म कर देते हैं। इसमें ट्रांसपेरेंसी हम इसकी 68 कर दी हमने। कंट्रोल के साथ हम इसकी कॉपी कर लेंगे। इसमें आपने कंट्रोल प्रेस किए रखना है।
हमने ये कॉपी तैयार कर ली। अब शिफ्ट के साथ इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। और कंट्रोल के साथ हमने इसको फिर कॉपी कर लिया। इसकी हम इसको हम यहां पे फिट कर देते हैं। इसकी भी हम कॉपी इख्तियार कर लेते हैं। विड्थ हम वही 0.2 रखेंगे जो हमने इसकी रखी थी। इसको तीनों को उसके सेंटर में कर देंगे। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि देखने में खूबसूरत लगे। इसको पेज के सेंटर में ही कर देते हैं और इनको भी पेज के सेंटर में ही करते हैं। हम अपनी इस लाइन को थोड़ा सा मूव करेंगे। एक शेप हम इधर ड्रा कर लेते हैं। इसकी भी कॉपी तैयार कर लेते हैं। कंट्रोल प्रेस करेंगे, इसकी कॉपी तैयार हो जाएगी। जी मेरे ख्याल ऑलमोस्ट हमारी सेटिंग हो चुकी है। अब हम एक शेप और ले लेते हैं। वाइट कर देते हैं। आउटलाइन इनकी खत्म कर देंगे। अब इस पे हम लिख देते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में चले जाएंगे। यहाँ पे हम ब्रीफ हिस्ट्री लिख देते हैं। बोल्ड कर देंगे इसको।
फॉन्ट जो भी आप रखना चाहें इसको यूज कर लेते हैं। ये हमारी ब्रीफ हिस्ट्री आ जाएगी, इसमें आउटलाइन को खत्म करते हैं। किसी की हम कॉपी तैयार कर लेते हैं, सब टाइटल लिख देंगे, इसका फॉन्ट उसकी निस्बत कम होगा, ये सब टाइटल है। इसको नो फिल कर देते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर आ रहा है। शेप में जाकर यहां से इसको अंडरलाइन कर देंगे। अगर हम शिफ्ट के साथ करेंगे तो फिर ये एक सीध में रहेगा, अगर शिफ्ट को छोड़ देंगे तो फिर ये मूव होगा। तो बेहतर यही है कि इसके अलाइनमेंट के लिए शिफ्ट को प्रेस करके आप इसको करेंगे तो फिर ये लाइन बिल्कुल सीधी रहेगी। दोबारा इंसर्ट में चले जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स में चले जाएंगे, इसमें ऑफ लिखेंगे, सेटिंग जैसे आपको अच्छी लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे असल में ऑफ लिखना चाह रहा था, 350 ऑफ आंकड़ा के नाम। कंट्रोल के साथ कॉपी कर लेंगे। यहां पे हम केनाल सर्कल भावनगर लिख देते हैं। इरिगेशन जोन बहावलपुर सेलेक्ट कर लेंगे। इस्तेमाल कर लेते हैं। जी ना जी, ये हमारी सेटिंग कंप्लीट हो गई। इसको आप कवर पेज कह सकते हैं, फ्रंट पेज कह सकते हैं, जो भी आप कह लें। इसके नीचे हम फोन नंबर या कोई डिटेल या अपना एड्रेस इसके नीचे हम वो भी टाइप कर सकते हैं। अगर आपने थीसिस वगैरह का कवर पेज बनाना हो उसकी डिटेल आ जाती है।
एक सैंपल के तौर पर मैंने आपको ये बना के दिया है। इस तरह काफ़ी सारे डिज़ाइन आप बना सकते हैं। अगर मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।